आज मैं आपके साथ शादियों में जो आलू गोभी की सब्जी बनती है ना, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और घर पे रहे बेसिक इंग्रेडिएंट्स से ये आप सब्जी बना सकते हो। 10-12 दिनों से गोभी को मैं मार्केट में ढूंढ रही थी, पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही थी। जब आज मैं सुबह मार्केट गई ना, तो मुझे फूल जैसी फूल गोभी मिल गई। बहुत ही फ्रेश थी, एकदम सफेद थी। तो मैंने आज दोपहर को ही ये गोभी की सब्जी बनाने का सोच लिया था। ये सब्जी मैं बिल्कुल जो शादियों में होती है ना, वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काट रही हूँ, और गोभी के पीछे का जो सॉफ्ट वाला डंठल होता है ना, उसे भी मैंने यूज किया है, और जो कड़क डंठल है ना, उसे मैंने फेंक दिया है। साथ में मैंने एक मीडियम साइज का प्याज और 5-6 लहसुन की कलिया को भी साफ करके बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। गोभी को यहाँ पर मैंने बड़ी साइज में काटा है, इसलिए बाकी की सब्जी को भी मैं बड़ी साइज में काट रही हूँ। अगर हमने बाकी की सब्जियों को छोटा काटा ना, तो वो गल जाएगी। वैसे तो गोभी मेरे घर पर सबको कम पसंद है, पर मैं इस तरीके से जब सब्जी बनाती हूँ ना, तो सब उंगलियाँ चाट चाट के खाते हैं। आपके घर पे गोभी की सब्जी किस तरीके से आप बनाते हो ना, प्लीज वो मुझे कॉमेंट करके बताना। मैं उस तरीके से भी एक बार जरूर बना के ट्राई करूंगी। और मैं आज जिस तरीके से गोभी की सब्जी बना रही हूँ ना, आप जरूर इसे एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको गोभी की सब्जी कैसी लगी। मार्केट में मुझे ये खट्टे वाले देसी टमाटर भी मिल गए थे, तो मैं ये टमाटर भी लेकर आई थी। ये खट्टे टमाटर जो होते हैं ना, देसी वाले, ये सब्जी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। इसका थोड़ा सा खट्टास वाला टेस्ट आता है सब्जी में, तो खाने में मजा आता है। ये टमाटर को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मेरे पास छोटी साइज के आलू थे, उसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आपके पास छोटी साइज के आलू ना हो ना, तो आप बड़े आलू ले सकते हो और उसे सिर्फ 4 टुकड़ों में काटना। दो हरी मिर्च को भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम आगे क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी को गर्म करने रखेंगे। उसमें आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी डालकर उसे थोड़ा उबालना है। फिर जो हमने गोभी के बड़े बड़े टुकड़े काटे है ना, उसे इस पानी में डालकर 2 मिनट के लिए पकाना है। ये हल्दी वाले पानी में गोभी को पकाने से गोभी में जो छोटी छोटी बारीक बारीक गंदगी रहती है ना, वो निकल जाती है। फिर कुकर में मैंने 3-4 चम्मच इतना तेल लिया है, उसमें आधा चम्मच जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डालकर अच्छे से इनको सेक लिया है। प्याज को भी मैंने तेल में 2 मिनट के लिए सेक लिया है। टमाटर, आलू को भी डालकर हमें 2 मिनट के लिए तेल में अच्छे से सेक लेना है। फिर मैं मसालों में आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर जो ये हल्दी वाली गोभी है ना, उसे भी कुकर में डालकर ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। गोभी में सारा मसाला अच्छे से चिपक गया है, देखो लग रही है ना, एकदम मस्त मसालेदार। ऊपर से मैंने आधी चम्मच कसूरी मेथी और मार्केट में जो सब्जी मसाला मिलता है ना, वो मैंने डाला है। मसाले सारे जल ना जाए ना, इसके लिए मैंने इसके अंदर आधा कप जितना पानी डाला है। फिर मैंने कुकर के ढक्कन को बंद करके 1 सीटी बजे तब तक मैंने ये सब्जी पकाई थी। देखो ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है, लग रही है ना एकदम शादियों वाली सब्जी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना।